देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारतीय कृषि उत्पादों का न सिर्फ खूब प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है बल्कि एक्सपोर्ट में भी काफ़ी उछाल आया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2019-20 के मुकाबले 2020-21 में कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड 34.86% की वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2020-21 में 2,10,093 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि यह 2019-20 में सिर्फ 1,55,781.72 करोड़ रुपए ही था। एक्सपोर्ट के इस उछाल से खास तौर पर प्रगतिशील किसान और एग्री बिजनेस में हाथ आजमाने वाले लोग उत्साहित हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन की वजह से सील कर दिए गए विश्व भर के सीमा पार आवागमन के बावजूद कृषि जिन्सों के निर्यात में उछाल आया है। कोविड-19 महामारी की वजह से एक्सपोर्ट में कई चुनौतियां खड़ी हुई, जैसे कि कंटेनरों की अनुपलब्धता, ज़्यादा माल ढुलाई एवं सप्लाई में बाधा। हालांकि अच्छी बात ये रही कि पूरी दुनिया में भारतीय कृषि उत्पादों की मांग में वृद्धि हो रही है। साल 2018-19 में भारत से 1,72,484.38 करोड़ रुपये के कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट किया गया था। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें कृषि निर्यात में वृद्धि करना भी एक खास कदम है। कृषि निर्यात किसानों को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मंडी का लाभ उठाने में सहायता करता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। सरकार ने कई विकासात्मक कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया है जो किसानों के लिए उच्च आय पर केंद्रित है। भारत विश्व में कृषि उत्पादों का 9वां सबसे बड़ा निर्यातक है। किसानों को मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने माइक्रो इरिगेशन फंड, एग्रीकल्चर मार्केटिंग फंड जैसी कॉप्स फंड बनाए हैं। 10,000 किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO का अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन, किसान क्रेडिट कार्ड, ब्याज छूट योजना, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि मंडी ई-नाम आदि के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि की कोशिश अभी भी जारी है। 1,00,000 करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड भी बनाया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू बाजार में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग में तेजी दिख रही है। घरेलू बाजार 17% के रेट से बढ़ रहा है। साल 2016 में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बाजार 53.3 करोड़ रुपए का था, जिसे 2021 के अंत तक 87.1 करोड़ रुपए को पार करने का अनुमान है। तो वहीं अपीडा के अनुसार 2020-21 के दौरान 7,079 करोड़ रुपए के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया गया है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।